नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे जो मॉर्निंग ट्यून होती है उसको बांसुरी पर कैसे बजाएं। तो आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाऊं। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो आप पूरी वीडियो ये लास्ट तक देखिए ताकि आप बजा पाएं और उसकी कोशिश कर पाएं। तो होता क्या है, जब आप मॉर्निंग ट्यून सुनते हैं तब आपको लगता होगा कि एक एक लहर सी चली आ रही है। तो वो लहर कैसे होती है, वो जो आपस में नोट्स होती हैं वो लिंक होती हैं। तो जो मैं आपको बताऊंगा वो राग भूपाली में है, मतलब कि सा रे ग प ध सा। इसमें आपको म और नी प्रयोग नहीं करना होता है। तो ये फ्लूट है सी स्केल की, तो इसका मैं सा बजाया अगर तो तीन होल्स को क्लोज करके सा, फिर ये रे, फिर ये ग, ये प ध और ये सा, ये सा। अगर एक उंगली हटाता तो नी होता, ये ध और ये सा, मतलब ध के आपको, ध के बाद आपको जंप करना है सा पर। तो एक बार सरगम में सुनाता हूं आपको। सारे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। तो ये वाली फीलिंग आएगी आपको राग भूपाली में। तो मैं आपको एक ऐप के बारे में बता रहा हूँ जो जिसका नाम रियाज ऐप है, और आप इस पर कई सारे तरह के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे बॉलीवुड म्यूज़िक हुआ, कर्नाटक म्यूज़िक हुआ और अपना क्लासिकल म्यूज़िक हुआ। और साथ में आपको ये लोग इसमें गाइड भी करते रहेंगे। इसमें वीडियोज़ हैं काफ़ी लोगों की जो आपको कंटिन्यूस गाइड करते रहते हैं। लिंक मैं इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस रखिए ताकि आपको एक मॉनिटर करने के लिए कोई आपको मिल सके। तो अब इसमें क्या है कि ये तो हमने मीडियम ऑक्टेव में बजा दिया, ठीक है, एक स्केल हमने कवर कर ली, सारे ग प ध स। अब इसके बाद आपको लो ऑक्टेव में भी आना है। तो लो ऑक्टेव में कैसे आएंगे हम, आपको पता है कि एक होल पर दो तरह की आवाज आती हैं। तो अगर मैंने सा यहां पर बजाया है तो उसको हाई ऑक्टेव में भी बजा सकता हूं, ठीक है। ये हुआ अपना जहां से हमने शुरू किया था सर। अब आपको जहां से आपने शुरू किया था उसके नीचे भी आना है, ठीक है, मतलब कि नीचे की तरफ, मतलब कि आवाज मोटी होती जाएगी। सा धा पा, ठीक है दोस्तों। तो अब फिर से सुनिए, अब हम पा से स्टार्ट कर रहे हैं, जो लो ऑक्टेव का पा है वहां से पा धा सा। फिर सरगम बजाइए, ये हमारा सा हो गया। ये हमने सरगम बजा ली। अब आपको क्या करना है कि सरगम के बाद भी जाना है, उसके आगे भी जाना है। ये आप काम आएगा जब आप मॉर्निंग ट्यून बजाएंगे। तो इस तरह से आपको सा के बाद हाई ऑक्टेव में रे भी लेना है, ग भी लेना है, और जो म है उसको हल्का सा टच करना है। मतलब आपको पूरा मन नहीं लेना है, मशुद्ध आपको हल्का सा टच करके फीलिंग लानी है झटके वाली, और फिर आपको वापस ग पर आना है। तो ये स्वर प्रयोग हुए हैं। अब आइए देखते हैं कि मॉर्निंग ट्यून कैसे बजाना है। तो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं पहले कि आपको प नोट से स्टार्ट करना है, जो लो ऑक्टेव का प है। अब आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन कौन से नोट्स हमको नहीं बजाने हैं। वो है म नहीं बजाना है आपको, और एक नी नहीं बजाना है। इसके अलावा सा रे ग प ध सा, सा जो लो हाई ऑक्टेव का होगा। तो ये पैटर्न आपको लेना है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया, बस सुनने में ही थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये कंटिन्यूस फ्लो है। जब आपको इसको तोड़ तोड़ के देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको सिंपल लगेगा। क्या किया मैंने, प नोट से स्टार्ट किया, प जो, अब आपको ध्यान रखिए क्या नियम है, नियम समझिए कि कौन कौन से नोट्स यूज करने हैं, तो उसी नोट्स को हम टच करेंगे। तो प ध सा, नी तो नहीं लेना था यहां पे, मैं आपको पहले मना किया था। प ध सा, प ध सा, फिर उसके बाद ध सा रे, प ध सा रे, सा रे गा। फिर से सुनिए, मैं क्या कर रहा हूं, एक तीन नोट्स का पैटर्न पकड़िए आप, ठीक है, फिर उन तीन को शिफ्ट करते जाइए आगे की तरफ।
अब शिफ्ट कैसे करना है, जो नियम है, जो राग भूपाली का नियम है उसमें आपको शिफ्ट करना है। तीन नोट्स पकड़िए, कहां से हमने स्टार्ट किया, प से, पा धा सा धा सा रे, फिर आएगा अपना सा रे ग, ठीक है, फिर आएगा अपना रे ग प, फिर आएगा अपना ग प ध, फिर आएगा अपना प ध सा, फिर ध सा रे, फिर सा रे ग। तो ये पैटर्न रिपीट हो गया, जब हमने एक ऑक्टेव खत्म कर ली तो उसके बाद वो पैटर्न रिपीट होगा। फिर से सुनिए क्या पैटर्न है। तो ये पैटर्न आपको लेना है, फिर से सुना लेता हूं। अब इसको थोड़ा फास्ट में लेंगे हम, क्योंकि जो मॉर्निंग ट्यून है वो धीरे धीरे नहीं बजती है, वो फास्ट में बजती है। तो एक बार आपने जो स्लो पैटर्न है वो समझ लिया, तो उसके बाद आप फास्ट की प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहे तो कहीं लिख सकते हैं, फिर उसको देख देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बजाना है, पहले आप वहां तक पहुंचिए। कहां तक पहुंचना है आपको, ग नोट तक पहुंचना है, हाई ऑक्टेव के। लो ऑक्टेव के प से स्टार्ट करके आपको वो पूरा सफर तय करके, ये वाला सफर मतलब कि पूरी ऑक्टेव कवर करनी है, लो लो ऑक्टेव के प से पूरी मीडियम ऑक्टेव कवर करके हाई ऑक्टेव के ग तक आपको पहुंचना है। वहां पर आपको स्टॉप लगाना है। तो जो ग तक का सफर है, वहां पहुंचने के बाद फिर आपको थोड़ी हरकत लेनी है, जैसे म को आपको टच करना है। फिर से आप स्लो मोशन में देख लीजिए एक बार। ये मैं पहुंच गया ग तक, अब इसको फास्ट में देखिए। तो ग पर पहुंचने के बाद, जब आप फास्ट में ग पर पहुंच गए, उसके बाद आपको ग पर ठहरना है, ठीक है। मतलब आपने सफर करके आए तो थोड़ा बहुत थक गए होंगे आप, तो फिर आपको ग पर ठहरना है। फिर वहां पर थोड़ी देर ठहरने के बाद फिर आपको हरकत लेनी है, म को टच करना है। ये आपको कैसे करना है, जो हाई ऑक्टेव में ग पर होगा, फिर आपको दोबारा ठहरना है, वो है ध नोट पर। ये हो गया हमारा ध। फिर आपको कुछ एक स्पेशल पैटर्न में वापस आना है स नोट पर। तो वो आपको कैसे करना है, जैसे आप ग पर पहुंच गए वो फास्ट वाला पैटर्न बजाने के बाद, उसके बाद आपको ग और रे, सॉरी क्या होगा ये, ग और रे, हाँ ग और रे में आपको वो हरकत लेनी जो मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए दोस्तों कि कुछ फिक्स नहीं होता, जरूरी नहीं कि आपको इसी तरह बजाना है। सिर्फ जो नोट्स हैं वो मैंने आपको बताया है कि आप उन नोट्स का प्रयोग करके अलग अलग तरह के अपने खुद से कोशिश कर सकते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैंने जो आपको सुनाया है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको एक बार पूरा देख लेते हैं एक बार में।
ठीक है, तो आप इससे थोड़ी बहुत हेल्प लीजिए और इसको बजाने की कोशिश कीजिए। जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं सारे ग प ध स, उनको ही प्रयोग करना है, फिर आप अपनी हरकत अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री है, वहाँ पर आपको लिखी हुई नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी।